क्यूरियस जी को लेते हैं। क्यूरियस जी, आप अभी नए नए पेट्रन बने हैं, बहुत शुक्रिया आपका पेट्रनेज का। आप अपने बारे में बता रहे थे कुछ, और ह्यूमन बीइंग जी आप सुन रहे हैं इनको, क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, बोले बोले जी। बस कुछ नहीं भाई, थोड़े अरसे से आपका चैनल सुनना शुरू किया है, गालिब भाई का चैनल सुनना शुरू किया है, तकरीबन 2-4 महीने से सुन रहा हूँ काफी चीजें। तो बस दिमाग में एक जुस्तजू सी चल रही थी, बल्कि काफी नींदें उड़ी हुई हैं बड़े अरसे से। वैसे तो लाइफ में मैं काफी लिबरल रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, कभी भी बहुत ज्यादा इस्लाम की तरफ मेरा ऐसा नहीं था कि हाँ भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा। हमेशा मैंने चीजों को क्वेश्चन किया थ्रू आउट माई लाइफ। बल्कि मैटर ऑफ फैक्ट, अभी वो थोड़ी देर पहले भाई बात कर रहे थे जो आए थे, कि कैसे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भी छोटी उम्र में शादियां करा देते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, तो ये काफी बातें सच हैं। हम लोग यहाँ आते हैं बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे आके एक बेटर जिंदगी के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम अपनी उन वैल्यूज को छोड़ते नहीं है जिन्होंने हमें अभी तक प्रोग्रेस की तरफ जाने ही नहीं दे रही जो चीजें हमें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ये मॉडल है यहाँ पे एक वेस्टर्न कंट्रीज का जो सक्सेसफुल मॉडल है, आप लोग यहाँ आते हो, सेटल डाउन होते हो, जॉब्स करते हो, बल्कि आपको शुरू शुरू में तो यहाँ पे वेलफेयर सपोर्ट मिलती है, क्या क्या नहीं मिलता, बट फिर भी आपको जहां मौका मिलता है अपने इस्लाम को ऊपर आके इनको जलील करने का, आप पीछे हटते नहीं हो। एक किस्म की डबल जिंदगी, और फिर हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे आ जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। हम लोगों को समझ नहीं आती हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं, हम क्या करें। अब अपनी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, थ्रू आउट माई लाइफ अच्छा रहा हूँ, पढ़ने लिखने में अच्छा था, कभी कोई गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, बट हाँ टीनेजर्स में शौक थे, पार्टी करने का शौक होता था, सबको होता है, ड्रिंक कर लेता था थोड़ी बहुत, क्लब में चला जाता था, स्टफ लाइक दैट। तो पेरेंट्स को जो है जी टेंशन शुरू हो जाती है कि ये हमारे बच्चे इस्लाम से बहुत ज्यादा दूर होने लग गए हैं, इनकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, ये अपने आप को खराब कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो पहला थॉट इनके दिमाग में क्या आता है कि यार क्योंकि इस्लाम कहता है कि इनकी शादी छोटी उम्र में करा दी जाए, तो चलो इनकी शादी करा दें बाय हुक और बाय क्रूक, जैसे मर्जी करा दें। अब उससे होता क्या है कि आप एक तो ऐसी एज में हो कि आपका दिमाग मेच्योर नहीं हुआ हुआ, ठीक है, पहली बात, आपको पता नहीं है कि आप जिंदगी से 10 साल बाद अपने आप को कैसा देखते हो, क्या चाहते हो, आई मीन 18, 19, 20 की एज में तो बंदे को ज्यादा इस बारे में सोच ही नहीं होती कि यार मुझे शादी भी करनी है या कुछ करना। तो वो ऐसी सिचुएशंस में आपको डाल देते हैं घर वाले, कि जब तक आपको रियलाइज होता है, जब तक आपकी एक सेंस डेवलप होती है, तब तक इट्स ऑलरेडी टू लेट। और फिर प्रोग्रेस कहाँ से करें जी, मुसलमान यहाँ पे आते हैं, पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे चल रही है, इंटरेस्ट से दूर रहते हैं, घर लेते नहीं है, रेंटों पे रहते हैं, वेलफेयर पे रहते हैं, और बातें करते हैं जी कि इस्लाम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, मुसलमान प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा। तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं लाइफ में। अभी भी मैं कंफ्यूजन में हूँ, आई वोंट से कि मैं पूरी तरह इस्लाम छोड़ चुका हूँ या पूरी तरह मैं एथियस्ट हो गया हूँ, आई गेस आई एम मोर ऑफ एग्नोस्टिक स्टेज पे हूँ मैं इस वक्त। कंफ्यूजन हैं, कुछ क्वेश्चन हैं अभी भी, जैसे कि कहां से आया सब कुछ जी, जैसे कहां से आया ये सब कुछ, कहां से, जैसे कहां से, हाँ ये भी, और फिर जिस तरह कुछ चीजें हैं, जिस तरह अब कुछ साइंटिफिक एविडेंस जिस तरह बड़े हिस्से से हम तो सुन रहे हैं, लॉजिक को तो अभी सुनना शुरू किया, पर ज्यादातर तो हम ये आलिम वगैरह को सुनते होते थे ऑनलाइन जितने बैठे हुए हैं। तो अब ये बिग बैंग की जिस तरह थ्योरी थी, उस दिन मैंने गालिब भाई को भी सुना, एक उनका पुरानी वीडियो देखी, उसके अंदर एक बंदा आया था, उसने बिग बैंग की ये थ्योरी पूछी कि भाई ये कुरान में लिखा हुआ है कि क्या मुसलमानों ने, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि जमीन और आसमान एक थे और हमने उसको जुदा जुदा कर दिया और हमने तमाम जानदारों को पानी से बनाया या समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मैं, क्योंकि मुझे शौक है चीजें रिसर्च करने का, डॉक्यूमेंट्रीज देखने का, थोड़ा सा पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसके अंदर सारी एवोल्यूशन की उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई थी कि कैसे जो है इंसान, एक वो नेशनल ज्योग्राफिक की है स्टोरी ऑफ अर्थ, पूरी 4 बिलियन ईयर की स्टोरी उन्होंने उसमें सुनाई, मैंने आई थिंक वो ही मैंने देखी हुई है। तो उसमें मैं, उसमें जो पानी वाली चीज थी ना कि तमाम जानदारों को हमने पानी से बनाया, तो उसमें भी वो यही कह रहे थे कि जो लाइफ की सबसे पहली जो 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 सेल फॉर्म थी ना वो पानी से ही निकली थी। तो वो चीज फिर आपको माइंड फक करती है थोड़ा सा कि यार ये हो सकता है ये बात सच हो सकता है वाकई
मैं आपके बताता हूँ, ये देखें यही होता है जब आप किसी चीज को अधूरा तरीके से समझे ना, और जो वेग बातें होती हैं जी इसकी, मैंने आपने पता नहीं मेरी बिग बैंग वर्ड्स की देखी है वीडियो, उर्दू में मैंने बनाई थी 3-4 साल पहले। पहली बात तो ये कॉमन व्यू था कि जमीन और आसमान जुदा जुदा थे। मैंने ये एक तारीख इसके मैंने इस्लाम का एंगल कोई नहीं था इसके अंदर। ये मेरा एक और चैनल है तारीखी तालीम, उसके ऊपर मैंने कोई आज कुछ 2 हफ्ते हो गए वीडियो नहीं बनाई। ये कदीम लोगों की तख्लीकी कहानियाँ जो है इसके अंदर मैंने इजिप्शियंस की कहानी बताई कि किस तरह इजिप्शियंस जो थे उनकी क्या कहानी थी। ये देखें उसके अंदर ये मैंने इजिप्शियन जो मिथोलॉजी है उसको डिस्कस किया है फ्रॉम इजिप्शियन मिथोलॉजीज। इनका भी ये ख्याल था कि दुनिया जो थी इस तरह ये गैब जो था ज़मीनी खुदा और नूत जो आसमानी खुदा थी, इन दोनों ने ये जुड़े हुए थे, और जब ये जुदा जुदा हुए तो फिर इस तरह हमारे पास ज़मीन और आसमान आए। तो ये जो जुदा जुदा वाली जो कहानी है ये एक कॉमन व्यू था, और तभी कुरान कह रहा है क्या काफरों ने नहीं देखा। तो ये इजिप्शियंस का व्यू था कि ज़मीन और आसमान अलहदा हो गए। तो पहली तो बात ये, दूसरी बात जो है कि हर चीज़ पानी से, देखिए पानी से निकलना और पानी से बना होना इसमें बड़ा फर्क है। और ये भी वैसे टेक्निकली बात ठीक है कि जो जो हमारे ब्लड के अंदर पानी है, मान कितना 70 के 80% हमारे जिस्म में पानी होता है जो वेट होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन आपको पता, और ये काम इस्लाम पहला नहीं था, थेलीस जो जो हेलेनिस्टिक ईरा का जो फिलोसोफर था, ग्रीक फिलोसोफर जो था, उसने ये उसने पहले कॉन्सेप्ट दिया था। थेलीस बड़ा मशहूर फिलोसोफर है कि हर चीज़ पानी से निकली है। ये कुछ जो कॉन्सेप्ट थे हवा पानी ज़मीन का, ये भी उधर से ग्रीक्स, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से उठाई हुई, बट ये अधूरे नॉलेज थे, इनके अंदर पूरी बातें नहीं थी। अब फ़र्ज़ करें आपको पता है सबसे ज़्यादा हमारे अंदर क्या चीज़ है, इंसान यानी हर हर इंसान के अंदर, हर 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 चीज़ के अंदर, इंसान नहीं हर जानदार के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, यानी एम्प्टी स्पेस है। हमारे जो एटम्स हैं वो 99% एम्प्टी स्पेस हैं। और ये कहा जाता है अगर आप ह्यूमंस को हमारी सारी एम्प्टी स्पेस निकाल लेंगे तो हम एक छोटे से ना शुगर का जो ग्रेन्यूल होता है उसके जितने हो जाएंगे अगर हमने डेंस कर दिया गया। तो अगर ये कह दिया जाता कि हमने खला से इंसान को पैदा किया, तब भी लोगों ने कहना था यार हाँ। तो डिस्क्रिप्शन जो इस तरह की वेग डिस्क्रिप्शन होती है, इनको हम ट्विस्ट एंड टर्न करके किसी भी तरीके से इनको मोड़ के बनाया जा सकता है। क्वेश्चन ये उठता है, हमेशा क्वेश्चन ये उठता है शक की नजर से अगर कोई देखे कि क्या वाकई जिसने ये आयत लिखी थी उसको वाकई पता था कि कायनात कितनी बड़ी है, ब्लैक होल क्या है, कहकशां क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, क्या इनको वाकई पता था। फिर जब आप उस नियत से देखते हैं ना कि यार इसको, फिर जब आप कुरान में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें पढ़ते हैं होलिस्टिकली, ये नहीं है जिस तरह मोमिन निकाल लेते हैं जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल कर दिया, वो किसी अनजाने अन नॉन बिलीवर किसी नॉन मुस्लिम को तो ये बात अच्छी लगेगी, ओह कितनी प्यारी बात है, वो बाकी की सारी बातें खा गए। जब आप होलिस्टिकली कुरान को पढ़ते हैं, और सिर्फ कुरान को ही नहीं उसके साथ तर्जुमे के साथ उनकी तफसीस को भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान की मोस्टली बातें समझ नहीं आती, तब आप कहते हो यार ये बातें तो, ये तो ऊंट के पेशाब पीने की बातें हो रही हैं यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रही है, ये हलाले की बातें हो रही हैं, इनको वाकई पता था कि इंसान में ये सेल के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनको पता ही नहीं था कि एटम क्या है। हालांकि एटम एक बड़ा ये यूनानियों का कॉन्सेप्ट है एटम, इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन इनको सेल क्या है, इनको जर्म्स तक, हाल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देता है, इनको जर्म्स तक का तो पता नहीं था, ये फ्लू इन्फ्लुएंजा कैसे होता है इनको नहीं पता था, ये जर्म्स की वजह से होता है या बैक्टीरिया या वायरस कोई चीज है। तो जब आप होलिस्टिकली पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है दीज पीपल न्यू एब्सोल्युटली नथिंग। उधर से उठाया, उधर से गिलगमेश की बातें उठाई, उधर से क्रिश्चियनों की, यहूदियों की बातें उठाई, उधर से मुस्लिमों की, कॉपी पेस्ट है सारा, कॉपी पेस्ट। तो ये सारा चक्कर है, ये आप इनको, मैं फिर लोगों को कहूंगा होलिस्टिकली जब आप एक अकीदत की पट्टी उतार देते ना, बहुत सारे ये स्पार्टिकस का जुमला है कि अकीदत की पट्टी उतार के पढ़ेंगे तो फिर आपको होगा। बहुत सारे लोग अब हमें कहते हैं कि जब हमने अकीदत की पट्टी उतारी कि चलो भी देखें क्या लिखा है, लिख के पढ़ लेते हैं, कोई नहीं कुछ कह रहा, अभी इर्द गिर्द कोई नहीं है, कुछ नहीं, मैं बस अपनी पढ़े तो सही क्या लिखा है, पढ़ो उसके अंदर क्या लिखा, अकीदत की पट्टी उतार के, ये नहीं क्यों हा 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 एक पाद भी मारा हुआ होगा किसी ने तो उस पर भी कहें वाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी, जैसा मौलवी बता रहे होते हैं रसूल अल्लाह पखाना अकीदत, तो खुशबू है अकीदत का क्या मीनिंग, सॉरी अकीदत मीन जो रिस्पेक्ट है, जो
जैसे मौलवी बता रहा होता है ना, रसूल अल्लाह ने एक दफा थूक फेंक दी तो लोगों ने उसको पकड़ के मल लिया। ये ओके अकीदत, हाँ, ये दैट्स मुझे दी बड़ी अजीब अकीदत, लगती हैं ये ये बातें। डिवोशन। हाँ डिवोशन नहीं, कोई भी बुरी भी बात हो गई, हजरत उमर ने कहा ओए तू रसूल अल्लाह के सामने ऊंची बोल रहा है, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, तो लोग आगे से कहते हैं वाह कितना प्यार करते होंगे हजरत उमर। ओ भाई ये तो जहालत है निरी, किसी को ऊंचा बोलने पे तुम हाँ उसका सरतन से जुदा करने लगे हो, इतने जाहिल हाँ डफर लोग हो तुम लोग। तो नहीं, ये तो ये मानते हैं ना जी कि पूरी कायनात ही रसूल अल्लाह के लिए बनाई गई है और बस उनके लिए सारा कुछ, तो वो इसलिए भी, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका, विच हाँ इज तो ऑब्वियसली डजंट मेक। हाँ नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि जब आप अकीदत की पर स्कॉलरली जो होते हैं, जो ये वेस्ट के जर्मन स्कॉलर्स ने बड़ा काम किया है इस्लामिक थियोलॉजी के ऊपर क्रिटिकल, जी कोई उनमें से एक भी मुसलमान नहीं हुआ क्योंकि हाँ वो सही कह उसको रहे देख हैं। रहे हैं, वो उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, वो उसको पढ़ रहे हैं एकेडेमिक सेंस में कि इसमें क्या लिखा है, क्या इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई एविडेंस है वगैरह नहीं है। देर आना भाई, जो जितने आपको जो मदरसे में बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, बातें सुन रहे होते हैं, औरतें कूड़ा फेंक रही हैं, ऐसे ऐसे रटे मार रहे होते हैं, आपको लगता है कि उनको कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जी, जा वो रही होती है? तो मदरसों का तो मैट्रिक सिस्टम है जी, जो हमारा पाकिस्तान का मैट्रिक सिस्टम है, रट्टा लगाओ पास हो आगे जाओ, समझो चीजों को ना समझो, वही है मदरसों का भी सिस्टम, कोई लेकिन हमारे सिस्टम नहीं बड़ों है में जी। भी यही है, लेकिन जो बड़ों मदरसे में में भी नहीं यही है, है बड़ों में भी यही है ना कि यार रसूल अल्लाह का नाम आ गया, खड़े हो जाओ। तो यू नो दैट इज अकीदत, दैट इज एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट जो होती है कि बस सोचना नहीं है उसके ऊपर। तो ये वाली जब आप उतार के इसको पूरा कुरान को होलिस्टिकली पढ़ें, बहुत सारी आयतें आपको समझ नहीं आएंगी, यार ये क्या टाके बंगाले मारे जा रहे हैं। देन यू विल लुक इन टू, तब आप देखेंगे उसकी तफसीर से रुजू करें। मौलवी को नहीं किसी नहीं को सुनना, मौलवी छलांगे, मौलवी का काम ही है छलांगे मारना, मौलवी सर, का काम सुन ही रहा ऐसा। हूँ, बड़ी जिंदगी में सुना है पर मुझे समझ नहीं आई कभी मौलवियों की बातें, को मेरे को लॉजिक समझ में आती है, मेरे को ये फेरी टेल्स जो है वो एंड ऑफ द डे फेरी टेल्स ही लगती हैं, जितनी मर्जी प्यारी हो, जो एक चीज इंसान नहीं उड़ सकता तो नहीं उड़ सकता, सिंपल एज दैट, हमने नहीं नहीं यार देखा कभी तो ऐसे ही है सर ये। बल्कि मुझे भी लगता है, मैं आप सब की बातें सुनता रहता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि अगले 5 से 10 साल में कुछ बड़े चेंजेस दुनिया में आने वाले हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो चीज झूठ है, जो चीज झूठ है वो झूठ ही रहेगी। और अभी हमारी आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि हम चीजों को विद एविडेंस जो है ना प्रूफ कर सकते हैं काफी चीजों को, जैसे कि ये सारी चीजें हैं कि काबे की हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, अब उस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जी क्या पेट्रा था, क्या मक्का था, मक्का की एग्जिस्टेंस थी भी कि नहीं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो इंटरेस्टिंग भी लग रही है, थोड़ी एकेडमिकली इंटरेस्टिंग है, और वो लेकिन उनका भी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग हाँ जी लगेंगे ना जब आप इनको ऐसा, जब आप इनको बाहर निकल के देखेंगे। लेकिन जो मैंने जो जो खैर मुझे वो इतना इंटरेस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ इस्लाम इटसेल्फ इतना, आप देखें जो आपने कहा कि आप खुल रही हैं चीज़ें सोशल मीडिया वगैरह, लेकिन और झूठ जो है ज्यादा देर नहीं रुक सकता, यही वजह है कि इसके ऊपर बात करने की भी इजाजत नहीं थी। वरना अगर किसी को यकीन हो, आपको पता हो भाई आपकी हिस्ट्री ये है वगैरह वगैरह, लेट देम टॉक। क्या अमेरिका में कोई किसी के सरतान से जुदा होते हैं अगर वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हो जाए, नहीं थॉमस जेफरसन ने ये नहीं कहा था, जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये कहा था, नो इट्स ऑल ओपन, कोई जो जो मर्ज। लेकिन मजहब के ऊपर ये नहीं करने देते बिकॉज क्योंकि 1400 साल से एक ही चीज से कायम है, ध्वंस से, ध्वंस सरतन से जुदा, तलवार के जरिए ये कायम है। अब जब ये तलवारें इनकी नहीं चल पा रही, चल पाएंगी, ये उड़ जाएगा बड़ी जल्दी, रेत के टीले की तरह बहेगा। चले बहुत मुझे शुक्रिया याद है सर। पाकिस्तान में जब मैं ग्रो अप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, तो ये बड़ा आम था काफिरों को बुरा कहना, इंडिया को बुरा कहना, अभी भी है, जिसने काफिर को मार दिया जी वो उसकी जन्नत हो गई, ये सारी चीजें तो बड़ी आम थी। तो अभी ये भी है। नैरेटिव मैंने ओवर द ईयर्स ऐसा ऐसा चेंज होता हुआ देखा, स्पेशली 9/11 के बाद से जो है ना एक नई किस्म की भी मुसलमानों की क्लास निकल के आना शुरू हुई, जिन्होंने बोला नहीं जी हम तो इन वायलेंस वाली चीजों पर बिलीव नहीं करते, हालांकि वो पार्ट है हमारी किताबों का, हमारी हर चीज लिखा हुआ है, वो जस्टिफाई करते हैं आइसिल वाले भी, जो भी वो कत्लो गैरत करते हैं वो भी उसको जस्टिफाई करते हैं, तो एब्सोल्युटली ये ऐसे ही है सर, बस क्या बोलूं। बस मेरे को अभी भी ये है कि इन चीजों का तो ठीक है, आई एम फॉलोइंग यू गाइस, मुझे मजा आता है, मैं सुन रहा हूँ, मैं अपनी रिसर्च भी करता रहता हूँ, बस एक फीलिंग होती है इंसान को यार, मुझे अभी भी होती है कि यार ठीक है मैं पैदा हुआ, मैं यहाँ पे आया हूँ, दिमाग है, बॉडी है, आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो एक रूह की फीलिंग है कि मेरे अंदर भी कोई चीज है जो आपको इटर्नल फील होती है, आई डोंट नो इमोर्टल फील होती है, ऐसा लगता है कि ये रूह जो है, जो मेरे अंदर की चीज है, वो हमेशा वो कैसे खत्म हो जाएगी यार, एक ये जो मेरी फीलिंग्स हैं और सारा कुछ है, क्या वो ये सब यहाँ पे है, टेम्परेरी है वो यहाँ पे जी? है, यहाँ पे जी है, जी वो आपके दिमाग, वो आपके ब्रेन है, वो आपका सिर्फ ब्रेन है, भेजे, हाँ मोस्ट अगर आप लाइकली भेजे ब्रेन है। पे आपकी, हाँ आप अपने हाथ पे कुल्हाड़ी चला लें, पैर पे कुल्हाड़ी चला लें,
आप जिंदा बच जाएंगे, लेकिन इधर कुल्हाड़ी चला के दिखाएं और जिंदा बच के दिखाएं, क्योंकि जब आपका ब्रेन जो हिस्सा डैमेज होगा, तो इसका मतलब जो आपका जो जिसको आपको लग रहा है कि ये रू, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, रू नहीं कॉन्शियसनेस है, जी अच्छा अच्छा अपने गिर्दो नवा को ऑब्जर्व करने की सलाहियत, यानी मुझ में और पत्थर में, हम में और जानदार और बेजान चीजों में क्या फर्क है? उनका भी वजन होता है, हमारा भी वजन होता है। हमारा वजन, हमारा फर्क ये है कि हम कॉन्शियस हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये तो ये जो है, ये सिर्फ इससे उसका ताल्लुक इससे है, ये भेजे खोपड़ी के अंदर जो भेजा, तो इसको रूह का नाम दिया गया क्योंकि लोगों को कॉन्शियसनेस की कभी समझ नहीं आई। तो मुझे कोई बंदा दिखा दें जो भेजे के बगैर हो, उसके अंदर भी कॉन्शियस, ये कैसी कॉन्शियसनेस, कैसी रूह है? तभी निकलती है जब इधर कोई हथौड़ी लगे, जब ये ब्रेन डैमेज हो, तभी निकलती है वो निकल के। और ये कोई कहीं नहीं जाना, जब जैसे आपका मादा जो ब्रेन जो है वो मैटर है, जब ये मैटर तबाह हो जाएगा तो आप भी तबाह हो जाएंगे। नो बिग डील। चले, आई हैव टू रैप इट अप। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।